सोमवार की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक पर्वत पर शिव जी का एक सुंदर मंदिर था। वहां बहुत से लोग शिव जी की पूजा के लिए आते थे। इनमें दो भक्त मुख्य थे, एक ब्राह्मण और दूसरा भील। ब्राह्मण प्रतिदिन शिव जी का फूलों से अभिषेक करता, भील जल से शिव जी का अभिषेक करता और भक्ति भाव से उनके सामने नित्य करता था। एक दिन ब्राह्मण जब मंदिर में गया तो उसने देखा कि शिव जी भील से वार्तालाप कर रहे थे। ब्राह्मण को यह अच्छा न लगा। उसने सोचा, मैं ब्राह्मण हूँ, भांति भांति के बहुमूल्य पदार्थों से भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी भगवान मुझे छोड़कर इस भील से वार्तालाप करते हैं। उसने शिव जी से पूछा, भगवान क्या आप मुझसे असंतुष्ट है? मैं ऊंचे कुल में पैदा हुआ हूँ तथा बहुमूल्य पदार्थों से आपकी पूजा करता हूँ, जबकि यह भील निकृष्ट और अपवित्र पदार्थों से आपकी उपासना करता है, फिर भी आप इसे ही चाहते हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, ब्राह्मण तुम ठीक कहते हो, परंतु इस भील का जितना स्नेह मुझ पर है उतना तुम्हारा नहीं है। एक दिन शिव जी ने अपनी एक आंखें को फोड़ ली। ब्राह्मण नियत समय पूजा करने आया। उसने देखा शिव जी की एक आंख नहीं है। पूजा करके वह अपने घर लौट गया। उसके बाद भील आया। जब उसने देखा कि भगवान शिव की एक आंखें नहीं है तो उसने झट से अपनी आंख निकालकर उनको लगा दिया। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर आया। शिव जी की दोनों आंखें देखकर उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। शिव जी ने कहा, ब्राह्मण इस आंख को गौर से देखो, यह उस भील की आंखें हैं जो उसने मुझे प्रेम पूर्वक समर्पित की है। तुमने तो ऐसा सोचा तक नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि भील ही मेरा सच्चा भक्त है। शिव की कृपा से भील की आंख भी ठीक हो गई और उसके दिव्य चक्षु भी खुल गए। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। बैजनाथ धाम की कथा। इस कथा के श्रवण से ही सारे संकट कट जाते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। आइए श्रवण करते हैं बैजनाथ की कथा। कथा इस प्रकार है। बैजू निहायत ही सीधा और सरल इंसान सवेरे शाम जानवर चराता और बाकी का समय मंदिर की साफ सफाई में। पुजारी बापा 2 महीने के लिए तीर्थ पे जा रहे थे। बैजू को बुलाया और कहा, बैजू मंदिर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और एक बात, भोलेनाथ को भोग लगाए बिना खुद भोजन मत ग्रहण करना। बैजू दूसरे दिन नहा धोके जैसे तैसे बन पड़ा। भोजन तैयार करके भोलेनाथ के सामने थाली लेके हाजिर। बाबा भोजन कर लो, बाबा तस से मस नहीं हो। सवेरे से शाम हो गई, न बाबा ने भोजन ग्रहण किया और न ही बैजू ने। 2-3 दिन यही सिलसिला चला। चौथे दिन बैजू का धीरज टूट गया। पास पड़ी लाठी उठाई और जाकर दिया शिवलिंग पे। तत्काल भोलेनाथ हाजिर, पीठ मलते हुए, बोलो बैजू क्या बात है? 4 दिन से तुम्हारे चक्कर में बिना कुछ खाए पिए गुहार लगाए रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ा? और लाठी जकड़ा नहीं की हाजिर? चलो भोजन करो तो हम भी कुछ खाए। बेचारे भोलेनाथ पीठ मल दे चुपचाप आनंद के अतिरिक्त में डूबे, कच्चा पक्का जैसा भी था खाने लगे। बैजू ने कहा, बाबा कस के लगा है, तुम रुको यहीं पर। कहते हुए बैजू अंदर जाके चंदन ले आया और भोलेनाथ की पीठ पे लगाने लगा। भोजन उपरांत भोलेनाथ जब चलने लगे तो बैजू बोला, कल समय से आ जाना। बाबा ने कहा, ठीक है बिल्कुल बैजू, मैं चल आऊंगा। अगले दिन भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान थे तो बैजू ने कहा, बाबा ये कौन है आपके साथ? आपकी अम्मा है। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, ये माता अन्नपूर्णा है। बैजू ने माता को पुकारते हुए तुरंत बेचारा भाग के दरी ले आया, बिछाया,
अंदर से दो थाली में भोजन लेके हाजिर हुआ। रेनाथ ने पूछा, बैजू तुम्हारे लिए भोजन बचा है ना? जो क्या बताता? बोला, हाँ बाबा आप चिंता ना करो, बहुत भोजन है। आनंद में डूबे आश्रुपूरित नेत्र से भोजन खत्म किया। तीसरे दिन फिर माता पार्वती के साथ विराजमान, वो भी समय से पहले। बैजू हक बकाया, बाबा आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, बैजू आज खाना मैं बनाऊंगी। लाख मना करने के बावजूद बैजू की एक न चली। माता पार्वती ने भोजन तैयार किया और तीन थाली में सजा के ले आई। भोजन शुरू। बैजू ने जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया न था। वही भाव व प्रेम के भूखे भोलेनाथ ने पार्वती मैया से कहा, शिवा। हाँ स्वामी। आज भोजन में आनंद नहीं आ रहा है? क्यों? माता के आंखों से आंसू निकल रहे थे। सच स्वामी, ना वो स्वाद है ना वो रस, धन्य है माता अन्नपूर्णा। जिनके नाम मात्र से भोजन में मिठास बढ़ जाए, उनको खुद का बनाया भोजन बेस्वाद लग रहा था। 2 महीनों का भोग सामग्री और कहां 3 आदमी का भोजन। चारे बेजू को अपने जानवर तक बेच देने पड़े। किन्हीं कारण बस पुजारी बाबा बजाए 2 महीनों के 1 महीने के अंदर ही तीर्थ से वापस लौट आए। पुजारी बाबा ने बैजू को बुलवाया और कहा, बैजू भोलेनाथ को समय से भोग लगाता था ना? बैजू ने बोला, हाँ पुजारी बाबा, पर बाबा आप तो कह रहे थे कि भोलेनाथ अकेले आएंगे, पर भोलेनाथ तो माता अन्नपूर्णा के साथ आते हैं और दोनों जन पेट भर भर के भोजन करते हैं, इसलिए मुझे अब तो अपना जानवर तक बेचना पड़ा। पुजारी बाबा बैजू की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि पुजारी बाबा जानते थे कि बैजू झूठ नहीं बोल सकता। पुजारी बाबा ने बोला, बैजू क्या सच में भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आते थे? तो तुम आज एक काम करना, आज तुम फिर भोग लगाओ, मैं भी देखता हूँ कि कौन कौन आते हैं आज में। बैजू बेचारा समय से भोजन लेके हाजिर, बुलाना शुरू। काहे को भोलेनाथ आएंगे? बुलाते बुलाते थक गया, पर भोलेनाथ को न आना था, वो न आए। बैजू कहने लगा, बाबा बाबा आप आइए चाहे न आइए, मैं लाठी नहीं उठाऊंगा। बस शिवलिंग पकड़ के रोए जा रहा था। बाबा आए और बोले, आंखें खोलो बैजू। सामने ही माता पार्वती और भोलेनाथ विराजमान थे। लिपट गया चरणों में, माँ बाबा जो आज तुम न आते तो मैं जान दे देता अपनी। भोलेनाथ ने बैजू को हृदय से लगाया और बोले, बैजू बेमोल बिक गया तेरे हाथ में, सुन आज से मुझसे पहले लोग तेरा नाम लेंगे, फिर मेरा, आगे बैजू फिर पीछे नाथ। बैजनाथ, प्रेम से बोलिए, बैजनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। मनुष्य के कर्म फल का भंडार अच्छा है, उसे भोगने के लिए जीव 84 लाख योनियों में शरीर धारण करता आ रहा है। समस्त जीव को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। आज जो इंद्र है, वह अपने पहले के जन्मों में कभी कीड़ा हो सकता है, तथा पहले का कीट आज अपने सत्कर्मों से इंद्र बन सकता है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, मानव की बात तो क्या है। इसलिए कहा गया है, कर्मों की गति बड़ी गहन और न्यारी होती है। कर्म फल के विलक्षण प्रभाव को दिखलाता राजा बलि का जीवन आइए श्रवण करते हैं इस कथा में। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा बलि पूर्व जन्म में जुआरी था। एक दिन उसे जुए में कहीं से कुछ पैसे मिले। उन पैसों से उसने अपनी प्रियतमा वैश्या के लिए कुछ सुंदर माला, इत्र व चंदन खरीदा और कामातुर होकर उसने मिलने के लिए जल्दी जल्दी चला जा रहा था, तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर वह मूर्छित हो गया। कुछ देर में जब होश आया तो उसने अनुभव किया कि मेरी मृत्यु अब निकट है। पूर्व जन्म के किसी पुण्य से उसके मन में सतबुद्धि उत्पन्न हुई और वैराग्य जगा। जुआरे ने कभी किसी महात्मा से सुना था कि कोई भी वस्तु
शिव अर्पण कर देने से बहुत पुण्य होता है। उसने सोचा माला इत्र चंदन तो प्रियतमा तक पहुंच नहीं सकता, शिव अर्पण कर देने से कुछ अच्छा होगा तो हो जाएगा, अन्यथा मर तो रहा ही हूँ और माला इत्र चंदन भी जमीन पर गिरकर बेकार जा रहे हैं। यही सोचकर जुआरी ने माला इत्र व चंदन भगवान शिव को अर्पण कर दिया। जुआरी की मृत्यु होने पर यमराज के दूत उसे पकड़ कर ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा इसका बही खाता देखो। चित्रगुप्त ने कहा यह तो जन्म जन्मांतर का पाप ही है, बस अभी अभी थोड़ी देर पहले जुए में जीते पैसे से इसने वैश्य के लिए माला इत्र व चंदन खरीदा था। जब ठोकर खाकर गिरा तो इसने मृत्यु के निकट देखी और सोचा कि माला आदि चीजें बेकार जा रही है तो उसे शिव अर्पण कर दिया। जब कोई भगवान को माला अर्पण करने वाला तो था ही नहीं, नहीं इसने भगवान के लिए माला खरीदी थी, बस यही इसका पुण्य है। यमराज ने कहा यह तो इसका पुण्य ही माना जाएगा। यमराज ने जुआरी से पूछा पहले तुम पुण्य का फल भोगे हो या पाप का? जुआरी ने कहा मैं तो जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, पाप का फल भोगने में पता नहीं कितना समय लगे, इसलिए मैं पहले पुण्य का फल भोगना चाहता हूँ। भगवान शंकर की कृपा से जुआरी बन गया इंद्र। राज ने कहा शिव अर्पण के पुण्य से तुम 3 घड़ी के लिए इंद्र लोक के मालिक बन गए हो। भगवान शिव के बिना भक्ति की आराधना से जमीन में गिरी हुई गंध पुष्प से 1 महापातक की को कितना बड़ा फल मिला। जो लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव को गंध पुष्प व जल अर्पण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं तो उन्हें सहज मुक्ति मिलती है। उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए और जुआरी को ऐरावत हाथी की पीठ पर बैठा कर इंद्र लोक ले गए। जुआरी जब इंद्र आसन पर बैठा अप्सराए नित्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे। उन गंधर्वों में नारद जी भी थे, यह देखकर उन्हें हंसी आ गई। जुआरी ने कहा इंद्र के दरबार में वे आदमी बताओ क्यों हंसते हो? नारद जी ने कहा जुआरी तू जीवन प्रयत्न जुआ खेलता रहा, तूने यही सोचा कि शिव अर्पण करने से कुछ होता होगा तो हो जाएगा, न होगा तो मर तो ही रहा हूँ और माला इत्र आदि भी बेकार ही जा रहे हैं। आज इसका परिणाम यह हुआ कि तुम 3 घड़ी के लिए ही सही इंद्रलोक के स्वामी बन गए, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। नारद जी की बात सुनकर जुआरी के ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान की चिंगारी जब पाप के ईंधन पर गिरती है तो पाप जलते हैं। जुआरी सिंहासन से उतरा और नारद जी से कहा गुरुदेव आप भगवान शंकर के अलावा कोई शरण नहीं है, हम सारे इंद्र आसन पर ही तुलसी रख देते हैं। शिव के समान देव नहीं, शिव के समान गति नहीं, शिव के समान दाता नहीं है, शिव के समान योद्धा नहीं है। इतना कहकर जुआरी ने स्वर्ग की निधियों का ऋषियों को दान करना शुरू कर दिया। उसने ऐरावत हाथी, अगस्त्य जी को उच्च श्रवा नाम का घोड़ा, विश्वामित्र को कामधेनु गाय, महर्षि वशिष्ठ को चिंतामणि रत्न, गालवल जी को और कल्पवृक्ष, कौंडिन्य मुनि को दे दिया। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए जुआरी ने कुछ ही देर में सारा इंद्रलोक दान कर दिया। तभी 3 घड़ी बीत गई, वह फिर यमलोक पहुंचाया गया। जब इंद्र वापस आए तो अमरावती ऐश्वर्य शून्य थी। इंद्र स्वर्ग के सारे ऐश्वर्य ऐरावत हाथी, कामधेनु, परिजात पुष्प आदि को ना देखकर क्रोधित हो गए और पूछने लगे ये सब कहाँ चले गए। तब देवगुरु बृहस्पति बोले सब कुछ जुआरी ने दान दे डाला। बड़ी भारी सत्ता मिलने पर जो परमाद में न पड़कर सत्कर्म में लगे रहते हैं वे ही धन्य हैं, वे ही भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं। इंद्र स्वर्ग की निधियों को वापस लाने में, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए देवगुरु बृहस्पति को लेकर यमराज के पास समयनी पूरी पहुंचे और जुआरी की शिकायत करने लगे। यमराज ने जुआरी से अपना पक्ष
रखने को कहा। जुआरी ने कहा, हमको जो करना था हमने कर लिया, अब आपको जो करना हो वह आप कर लो। यमराज ने इंद्र से कहा, आप बूढ़े हो गए हैं, किंतु अभी तक आपके राज्य से संबंधित आसक्ति दूर नहीं हुई है। जुआरी का पुण्य आपके सब यज्ञों से ही कहीं महान है। जाइए, ऋषियों के चरणों में पड़कर या धन देकर अपने रत्न लौटा लीजिए। यमराज ने जुआरी से कहा, दान का पुण्य भूलोक में ही होता है, स्वर्ग में दान नहीं करना चाहिए, इसलिए तुझे नरक की यातना भोगनी ही होगी। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने भगवान शिव के नाम पर ऐसे उत्तम ऋषियों को इतनी बहुमूल्य वस्तुएं दी है, तब इसे नरक की यातना क्यों भोगनी पड़ेगी? शिव के नाम पर स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक या कहीं पर भी कुछ दिया जाए तो उसका अच्छा फल मिलता है। इसके जितने भी पाप थे वे सब भगवान शिव के प्रसाद से भस्म होकर पुण्य में परिणित हो गए हैं। यमराज सोचने लगे, अब ये जुआरी नरक नहीं जाएगा, अब तो यह इंद्र ही होगा, क्योंकि इस बार तो इसने विधिवत पूरा इंद्र लोक ही दान कर दिया है। उसी पुण्य के प्रभाव से वही जुआरी अगले जन्म में महान भक्त प्रहलाद का पुत्र राजा बलि हुआ। यहाँ पर भी वह पूर्व जन्म के शिव पूजन के पुण्य से इतना त्यागी हुआ कि गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी उसने भगवान बामन को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। बामन भगवान राजा बाली से बोले, हम तुम्हें क्या दे? बाली ने कहा, भगवान हमारी जिधर भी दृष्टि जाए उधर हम आपका ही दर्शन करें। राजा बलि की बैठक के 52 दरवाजे हैं। भगवान ने सोचा, न जाने किस दरवाजे पर बाली की दृष्टि चली जाए। यही सोचकर 52 दरवाजे पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ब्रह्मांड के स्वामी पहरेदार के रूप में विराजमान हो गए। कोई भी याचक राजा बलि के द्वार पर कुछ मांगने जाता है तो उनके द्वार पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं उन्हें मुंह मांगी वस्तुएं देते हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, इंद्र कुबेर आदि देवताओं के द्वारपाल तो आप कभी नहीं बने, परंतु आप हम असुरों के द्वारपाल बन रहे हैं। इससे लगता है कि आप हम असुरों के पक्षपाती हैं। इस प्रसंग से गीता में भगवान का यह कथन सत्य सिद्ध हो जाता है कि पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी भगवान के लिए अर्पित किया जाता है वह अनंत गुना होकर वापस आता है। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था जिसके पास ही गणेश जी का छोटा सा मंदिर था। गांव में और मंदिर नहीं थे, इसलिए सब लोग इसी मंदिर में आकर पूजा किया करते थे। गांव में एक भिखारी भी रहता था, भीख मांगना ही उसका काम था। गांव छोटा सा था, भिखारी को काफी भीख नहीं मिलती थी, इसलिए यह और कोई उपाय न देखकर मंदिर के दरवाजे पर बैठने लगा। सोचने लगा कि लोग यहाँ धर्म करने आते हैं, और नहीं तो सही, पेट भरने लायक भीख तो मिल जाया करेगी। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और जब वहाँ किसी को आते देखता तो शिव शिव रटने लगता। इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम जपता रहता था, मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी। फिर 2-4 मुट्ठी अन्न और कुछ फल मूल और कभी कभी 4-6 पैसे मिलते थे। हालांकि इतनी थोड़ी आमदनी से किसी की गुजर कैसे हो सकती है। फिर भिखारी को अपना ही नहीं बल्कि अपनी बेटी की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम था कमला और वह बड़ी चतुर और बड़ी समझदार थी, मगर चतुराई और समझदारी से तो पेट की आग नहीं बुझती। उसे तो भोजन चाहिए, इसलिए कमला कभी कभी अपने बाप को भोजन पाने के लिए तंग करने लगती थी। उस वक्त भिखारी के दिल पर बड़ी चोट लगती, उसकी आंखें भर आती थी, वह चिंता के समुद्र में डूब उतरने लगता था। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था, ऊपर आसमान और नीचे धरती हर धक जल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था।
ऐसे ही समय में महादेव पार्वती लोगों का सुख दुख देखने इस संसार में आए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचे और गणेश जी के मंदिर के सामने से निकले। भिखारी उन्हें आते देख ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय की रटना रटने लगा। भिखारी की यह हालत देख पार्वती जी को बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव जी से कहा, भगवान इस भिखारी की तरफ भी तो देखिए, बेचारा कितना दुखी है। देखिए तो कितने प्रेम से आपका नाम जप रहा है और आप भगवान कितने कठोर है। आपको क्या इस भिखारी पर दया नहीं आई? मैंने सुना था कि लोग बड़े पापी हो गए हैं, वो देवताओं का पूजा नहीं करते, मगर नहीं आज मुझे मालूम हुआ कि इसमें उनका कोई अपराध नहीं, सब तो देवताओं का अपराध ही है। आप इसी भिखारी को ले लीजिए, बेचारा को आपका नाम लेते लेते बरसों बीत गए, इतने पर भी अभागा पेट भर भोजन तक नहीं पाता। जब देवता ही ऐसे कठोर हो जाएंगे तब कोई काहे उनकी पूजा करेगा। महादेव जी को पार्वती जी की बात लग गई। भगवान बोले, देवी आप असल बात क्या है नहीं जानती, पर आप जान भी नहीं सकती क्योंकि आपका हृदय ही इतना कोमल है। मैं कहता हूँ देवी, आप जिद ना करें, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। देवी ने एक ना सुना तो भगवान ने कहा, ठीक है तो मैं आज इस भिखारी के लिए कुछ बंदोबस्त करा देता हूँ, जिससे इस भिखारी का दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव जी पार्वती जी के साथ मंदिर में पहुँचे। माता पिता को आते देख गणेश जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देखो बेटा यह भिखारी बरसों से तुम्हारे द्वार पर बैठा है, मेरा नाम जपा करता है, मगर तुमने अब तक इस पर दया क्यों नहीं किया? अब ऐसा कुछ उपाय करो जिससे इस बिचारे का दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, अच्छी बात है पिताजी, 7 दिन के भीतर उसका दुख दूर हो जाएगा, उसे कहीं ना कहीं से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। गणेश जी का उत्तर सुनकर महादेव पार्वती आगे को चल गए। इसी समय एक बनिया मंदिर में पूजा करने आया था, वह आर में छिपा छिपा महादेव जी और गणेश जी की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, ये तो बहुत अच्छा मौका है, यदि थोड़ी चतुराई से काम लूं तो सहज ही 2 लाख का मालिक मैं हो सकता हूँ। बस वह बड़ी खुशी से भिखारी के सामने पहुँचा और उसे प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। भिखारी को आज तक किसी ने प्रणाम नहीं किया था, न कोई उसके पास आकर बैठा ही था। बनिए के इस काम से भिखारी ने समझा कि यह बेशक कोई भला मानुष है। वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और बनिए से बोला, बाबा आप बहुत दयालु जान पड़ते हैं, पर ये मेरे पास आने की कृपा क्यों कर हुई? आप नहीं जानते मैं एक गरीब भिखारी हूँ। बनिए को तो अपना मतलब गांठना था, मीठेपन से बोला, आप भिखारी है? कौन कहता है कि आप भिखारी है? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप एक पहुँचे हुए महात्मा है और आपके दर्शन से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। मैं भी आपके दर्शन करने चला आया हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है, यदि आज्ञा दो तो पूछो। भिखारी खुशी से बोला, पूछिए। बनिया बोला, भला दिन भर आपको कितनी भीख मिल जाती है? भिखारी बोला, भाई मिलने की क्यों पूछते हो, यहाँ तो पेट की भी लाले पड़े रहते हैं, रोजाना 2-4 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, कभी 2-4 पैसे भी मिल जाते हैं, किसी तरह दिन काट लेता हूँ। बनिया कहने लगा, राम राम, आप जैसे महात्मा और यह कष्ट, इस गांव के आदमी भी क्या आदमी है, आपकी थोड़ी सी सहायता नहीं कर सकते? आप कैसे यह कष्ट सह लेते हैं? मुझे तो आप पर बड़ी दया आती है, मेरे जी में आता है कि मैं आपकी कुछ सेवा करूं, पर कहने में डर मालूम होता है। भिखारी बोला, आप मेरी सहायता कर सकते हैं? आप बनिया हंसते हुए बोला, मेरी इतनी हैसियत कहाँ है जो आपकी कुछ सेवा कर सकूं, मगर एक बात है, आज से 7 दिन तक आपको जो कुछ भी मिले वह मुझे दे दीजिए, बदले में आपको मैं 100 रुपया दे दूंगा। 100 रुपये के नाम सुनते ही भिखारी मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर 100 रुपये मिल जाए
तो क्या कहना, यहाँ तो 7 दिन में 7 आने के सामान भी न मिले। तब तो 100 रुपये छोड़ देना सरासर, बेवकूफी होगी, पूरा गधापन है। मगर इसी समय उसे लड़की की ख्याल आ गई। उसने सोचा अगर मैं 100 रुपया लेकर घर पहुंचा और मेरी बिटिया रानी गुस्सा करने लगी तो पहले मैं उसकी सलाह ले लेता हूँ। बस यही विचार में आते ही उसने बनिए को जवाब दिया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की मगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, सोच विचार करके कल कहूँगा। जब बनिया चला गया तब भिखारी ने अपनी बिटिया को बुलाया और उसे सब हाल कह सुनाया। चतुर बिटिया कमला ने फौरन समझ गई कि इसमें जरूर कोई बनी की शैतानी है। उसने पिता से कहा, बनिया बिना फायदे के क्यों 100 रुपये देने चला। खैर कोई बात नहीं पिताजी, मैं कल उस बनिए से बातें तय कर लूंगी, मगर आप बीच में कुछ ना बोलना। उधर बनिए का बुरा हाल था, रात भर उसके पेट में चूहे उछलते रहे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ, बनिए की जान में जान आई। वह हाथ मुंह धोते ही भिखारी के पास आ पहुंचा और छूटते ही बोला, क्या विचार किया आपने। कमला भी बनिए से निपटने को तैयार बैठी थी। बनिए की बात सुनते ही उसने जवाब दिया, सेठ जी हम लोगों ने विचार किया, भला 100 रुपये में क्या होता है, इतना सस्ता सौदा होना मुश्किल है, माफ कीजिए। कमला का उत्तर सुनते ही बनिए पर मानो बिजली गिर पड़ी। पर लाख रुपए के लालच छोड़ना भी कठिन था, वह 200 रुपए देने को राजी हो गया। अब तो कमला का संदेह और भी पक्की हो गया, वह समझ गई कि बनिया जरूर किसी भारी लाभ के लिए ही इतने रुपए देना चाहता है। उसने जवाब दिया, सेठ जी इतना सस्ता सौदा और कहीं होता होगा, 100, 200 या 1000, 1000 में तो होता ही क्या है। जो चीज आप कौड़ियों में मोल खरीदना चाहते हैं, वह लाख रुपए में भी सस्ती है। यह सुनकर बनिया बहुत घबराया, परंतु उसने अपनी कोशिश जारी रखी। मारे लोभ के वह अंधा हो रहा था, उसको लोभ का भूत सवार हो गया था। उसने 100, 200 से बढ़कर अंत में 50,000 लगा दिए। अब कमला ने सोचा इतने रुपए थोड़े नहीं होते। अब बिटिया कमला ने सोचा इतने बड़े रकम को छोड़ना ठीक नहीं है। उसने बनिए से कहा, खैर आप नहीं मानते तो मैं ही आपकी बात मान लेती हूँ, मगर शर्त ये है कि रुपए अभी मिलने चाहिए। ये शर्तें मंजूर करने में बनिए को क्या उजर थी, वह खुशी खुशी घर लौटा। उसने सोचा 50,000 रुपए देकर 1 लाख लेना कुछ बुरा नहीं है, 2 लाख न सही 1.5 लाख मालिक तो बन ही जाऊंगा। आह मेरी तकदीर भी कितनी चोखी है, 7 ही दिन में 50,000 का लाभ हो गया। उसने घर आते ही भिखारी के पास 50,000 रुपए भेज दिए। अब बनिया हर रोज भिखारी के पास आता और उसकी दिन भर की भीख घर ले आता। इस तरह 6 दिन बीत गए। अब तो बनिए को बड़ी फिक्र हुई। 7वें दिन हुआ फिर गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि आज फिर महादेव पार्वती मंदिर में पधारे हैं। बस वह दीवार से कान सटा उनकी बातें सुनने लगा, मगर यह क्या उसका कान दीवार में चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर कान टस मस न हुआ। तब वह दाहिने हाथ की सहायता से कान छुड़ाने लगा, इतने में हाथ भी दीवार में चिपक गया। इधर महादेव जी ने गणेश जी से पूछा, बेटा इस भिखारी के लिए कुछ इंतजाम हुआ है। गणेश जी बोले, जी हाँ उसे 50,000 रुपए तो दिलवा दिए हैं, बाकी के लिए बनिए को दीवार से चिपका कर रखा है। यह बनिया बड़ा लोभी कंजूस है, इसने गरीबों से एक एक के 4-4 वसूल कर अपना घर बनाया है। रुपए वसूल करने में इसने गरीबी पर दया नहीं की, उनके बच्चे भूखे मरते रहे, पर इसने 4 गुने रुपए वसूल करके भी संतोष नहीं किया। इस तरह इसने 1 लाख रुपए से अपनी तिजोरी भर ली है। गरीबों के माल से यह सुख नहीं उठा सकता। अब जब तक यह भिखारी को बाकी 50,000 रुपए न देगा तब तक दीवार से चिपका रहेगा। गणेश जी की बातें सुनकर बनिए ने अपना माथा को पीट लिया, इसकी आंखें में आंसू बरसने लगे। जब उसने घर से 50,000 रुपए मंगवाया
और भिखारी को दे दिए, तब कहीं दीवार से उसका पीछा छूटा। से बोलिए गणेश भगवान की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि बहुत सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अभी सामर्थ्य नहीं रहा? पार्वती जी की बातें सुन भगवान शिव ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? तिज ने बड़े आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया भगवान? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी सूखे नहीं हैं। जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम कल इसका रहस्य समझ जाओगे। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। उसी गड्ढा में भगवान शिव ने लीला करते हुए तीर्थ ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए कि जैसे मानो कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो। निकलने की कोशिश करने के बावजूद भी वह निकल नहीं पा रहा है। पार्वती जी को भगवान शंकर ने समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखिए देवी, आप लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहिए कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गलती से गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा ही इन्हें निकालकर इनके प्राणों की रक्षा करे। इस प्रकार आप बार बार कहते रहिएगा। भगवान के कहे अनुसार माता पार्वती ने किया। भगवान ने इतना भी कहा कि जब कोई मुझे बचाने की कोशिश करे तो आप उसे इतना कह दीजिएगा, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तभी आप मेरे पति को हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी ने भगवान की बात को ध्यान में रखकर गड्ढे के किनारे पर बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदरी महिला को यूं बैठी देखकर कईयों का मन में पाप आया, कई लोग लज्जा से डरे, कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उनके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चा चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणा वंश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए तो हैं, क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते समय हमारा हाथ ना जल जाए। किसी को भी भेद रूपी शंकर को निकालने का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, देखिए पार्वती जी, आपने देखा कोई है गंगा नहाने वाला यहाँ पर? थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लेकर हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया, उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोकर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उस युवक ने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, माते, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें क्यों संदेह होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ, भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को मैं निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इन एक ने ही गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है, विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल।
प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय, गंगा माता की जय।